एचपी गैस कैसे बुक करें नए नंबर से। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही देखा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सभी गैस एजेंसियां अपने जो कॉलिंग नंबर यानी बुकिंग नंबर है सबको चेंज करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप एचपी गैस अपने मोबाइल से कैसे कॉल के माध्यम से नए नंबर से बुक कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टोटली एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही सिर्फ नंबर डायल करके वो भी सिंपल तरीका से बहुत ही आसानी से आप अपना एचपी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपने गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं, यदि आप भी एचपी ग्राहक है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज के इस वीडियो में 2 से 3 मिनट के अंदर मैं टोटली आपको डिफाइन कर दूंगा कि आप एचपी गैस कैसे बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से। तो दोस्तों एचपी गैस बुक करने के लिए सिंपल सा क्या करना होगा, अपने डायलर पैड में आ जाना होगा और सिंपल सा एक नंबर आपको डायल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 9470723456। यह नंबर आपको सिंपल से क्या करना होगा, आपको सिंपल से डायल कर देना है। जैसे आप इसी नंबर को आप डायल करते हैं तो आपका कॉल यानी एचपी बुकिंग सर्विस के पास चला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट स्टेप में आप किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। यदि आपका लैंग्वेज हिंदी है तो आप 1 दबाइएगा, यदि आपका इंग्लिश है तो आप 2 दबाइएगा। तो इंग्लिश जब आप सेलेक्ट, जो भी आपका लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपका हिंदी है तो आप 1 दाब करके आप लैंग्वेज जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, मैं दोस्तों पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि जब मैं यहाँ से कॉल लगा दूंगा तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा और आपको थोड़ा सा भी सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं आपको पहले प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ, पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। तो जैसे हम भाषा चुनेंगे उसके बाद आपका जो मतलब गैस के पासबुक होता है उसमें एक लैंडलाइन नंबर पूछा जाएगा, तो बिना एसटीडी कोड के आपको लैंडलाइन बताना है। जैसे आप लैंडलाइन नंबर बताइएगा, यदि आपका गैस एजेंसी मोबाइल रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिक आपका बुकिंग के लिए 1 बोलेगा, यदि आपका गैस एजेंसी में नंबर बुक नहीं है तो आपको 2 बोलेगा कि आप अपना जो भी गैस एजेंसी का जो कंज्यूमर नंबर है कंज्यूमर नंबर बोलिए। यदि आप कंज्यूमर नंबर बोल देते हैं तो आपका बुकिंग के लिए 1 बोलेगा दाबने के लिए। उसके बाद जैसे आप 1 प्रेस कीजिएगा आपका बुकिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना होगा, आपको बुकिंग हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा कि आपका 100% बुकिंग हो गया। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर में यहाँ पर बुक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैं बुकिंग कर देता हूँ। नंबर यहाँ पर देख नंबर को मैं डायल करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नंबर मेरे पास डायल हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा सा आवाज सुनने में डिफर हो रहा होगा, तो मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ करके दिखा भी दिया हूँ और सुना भी दिया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आप अपना गैस एजेंसी किसे गैस बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते आपसे लैंडलाइन पूछ रहा है तो आपको लैंडलाइन नंबर डाल देना, जैसे आप लैंडलाइन नंबर डालेंगे उसके बाद आपका गैस बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। शो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।